नमस्कार, और नमस्कार के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। समाधान इंडिया के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और सभी हमारे देश के जवान जो आज बॉर्डर पर खड़े हैं, उन सभी लोगों को भी एक ग्रैंड सैल्यूट समाधान इंडिया की ओर से। चूंकि रक्षाबंधन सूत्र और रक्षा, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं जिसको आज हमने आप सबों के बीच लाने का प्रयास किया है। और आज आपके लिए समाधान इंडिया ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है रक्षाबंधन को लेकर, जिसे आज आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से कम लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि रक्षाबंधन कब से मनाया जा रहा है और रक्षाबंधन का क्या इतिहास है। हम जब भी किसी भी धार्मिक त्यौहार को मनाते हैं तो उसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उस त्यौहार को हम और भी अच्छे तरीके से मना सकें। और इसी उद्देश्य के साथ हम आज आप लोगों के बीच रक्षाबंधन त्यौहार क्यों और कब से मनाया जाता है, इसी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आज आए हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए और अपने साथियों के साथ भी हमारे इस चैनल को पहुँचाने में अपनी एक भूमिका अदा करिए। शुक्रिया आप सभी का। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसे राखी भी कहते हैं। रक्षाबंधन में रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा और बंधन, और सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य होता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी रंगीन कलावे, रेशमी धागे, सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक भी हो सकती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर भगवान से उनकी तरक्की के लिए प्रार्थना भी करती हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर राखी बहनें अपने भाई को ही बांधती है, लेकिन इसके अलावा भी राखी ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे बेटी द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का इतिहास क्या है, इसे मनाने की शुरुआत कब हुई थी। वैसे तो रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई थी इसका कोई निश्चित इतिहास नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि यह सदियों पुराना त्यौहार है। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार देव और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था। तब दानव देवों पर हावी हो गए थे। इससे घबराकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास चले गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। ये बातें इंद्राणी भी सुन रही थी। उन्होंने रेशम के धागे से निर्मित रक्षा सूत्र को भगवान इंद्र के हाथों पर बांध दिया। संजोग से उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तो ऐसे में ये इतिहास बहुत पुराना है, और ऐसे में महाभारत में भी रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि महाभारत में भी रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। दरअसल जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी और उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर विपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। एक इतिहास, रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, इसका भी जिक्र है। मध्यकालीन युग में भी राखी बांधने का प्रचलन था। कहते हैं कि एक बार राजपूत और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के बीच युद्ध चल रहा था। तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने चित्तौड़ और रानी कर्णावती की रक्षा की थी और उन्हें अपनी बहन का दर्जा दिया था। और इतिहास में अगर आप गौर से देखेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी रक्षाबंधन की भूमिका आपको दिखाई दे जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम में भी रक्षाबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंग भंग का विरोध करते समय रक्षाबंधन को बंगाल निवासियों के पारस्परिक भाईचारे और एकता का प्रतीक बनाकर इस त्यौहार का राजनीतिक उपयोग शुरू किया था। तो आप देख रहे थे रक्षाबंधन का इतिहास, और इस त्यौहार के इतिहास को बताने का हमारा मकसद ये है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन कोरोना काल की वजह से थोड़ी सी फीकी जरूर है, लेकिन भाई और बहनों के इस
सुंदर त्यौहार को लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। तो आप सभी को समाधान इंडिया की ओर से भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।